বিজেপিৰ সদস্য ভৰ্তি অভিযান আৰম্ভ হৈছে। এই সদস্য ভৰ্তি অভিযানৰ অংশস্বৰূপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে, প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সদস্য ভৰ্তি অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। আৰু এই সদস্য ভৰ্তি অভিযান কেনেদৰে আগবাঢ়ি যাব, কেনেদৰে চলি যাব বিজেপিৰ, আৰু বিজেপিৰ এই সদস্য ভৰ্তি অভিযানে আগন্তুক সময়ত বিজেপিক কেনেদৰে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব, বিজেপিৰ পৰিয়ালক কেনেদৰে সুৰক্ষিত কৰিব, বিজেপিৰ পৰিয়ালক নিৰ্বাচনসমূহত জয়ী কৰোৱাত কেনেদৰে সহায় কৰিব, এইবোৰ বিষয় গুৰুত্বপূৰ্ণ। কি কি মন্তব্য কৰিছিল বিজেপিৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে, কি কি মন্তব্য কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে? आप सभी जानते हैं, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है और इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता कि नेताओं की कथनी और करनी, नेताओं की वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास कम हुआ है। तोड़ता रहता था और समाज के समस्याओं के समाधान के लिए सत्ता पर बैठे हुए लोगों के सामने संघर्ष करता था और इसलिए कभी जेल तो कभी बाहर, ये उसकी स्थिति रहती थी। मुझे याद है, करीब 50 साल पहले की बात होगी, जनसंघ के लोग अहमदाबाद में सत्याग्रह कर रहे थे और एक अपनी कार्यकर्ता बहन जो जेल गई थी, करीब करीब एक महिला लोग सब जेल में रह गए सिर्फ आंदोलन करने के लिए, और उसकी गोद में 9 महीने का बच्चा हाथ में लेकर के वो जेल में एक महीना गुजार करके आई थी। ऐसे जुल्म सहकर के ये पार्टी यहां पहुंची है। और ये जुल्म करने वाले लोग एक छोटे से जुलूस को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होते थे, जेल में बंद कर देते थे। सत्ता का नशा उतना था उनको। विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया, कई सालों तक संघर्ष करा और बाद में हमने कई हार झेली, कई पराजय झेले, कई प्रचंड पराजय झेले और विजय को भी देखा है, मगर हमने हमारा काम हर नीस चालू रखा है। विगत 10 साल के अंदर श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, राशन, गैस और 5 लाख तक का आरोग्य की सभी सुविधाएं दी है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा में नई शिक्षा नीति लानी हो, हर क्षेत्र में इस 10 साल में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल कर आज विश्व में अपना स्थान बनाया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। और आज 10 साल में जिनके नेतृत्व में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्ष्य हासिल किए, हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे, चाहे राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना हो, धारा 370 को समाप्त करना हो, यूसीसी का आगाज करना हो, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाना हो, ये सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही 10 साल में पूरा हुआ है। मैं आज जिकुनो खबर पबे जुगाजुग करक 7099017330 अथवा 7099017990 नंबर।